साथ में जब हम गाड़ी चला रहे होंगे हम बाहर करके ना थोड़ा हाथ बाहर निकाल के बना लिया करेंगे, मोटिवेट करेगी ना। अलॉय टायर डाले हैं, एक अपनी वो खड़ी है, वो देखो वो बेच के ये ले लें 1983, वो 1980 है, 1983 ये ले लें मॉडिफाई कराने के लिए, क्या कहते हो। बाकी कैमरो खड़ी है येलो कलर की। गाड़ी एक्सचेंज का सिस्टम नहीं होगा बट बीमर वाले के साथ क्या पता मैं एक्सचेंज कर दूँ अपनी गाड़ी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी व्लॉग्स। तो गाइज यार क्या सीन है, आज है फ्राइडे और वैसे मैं सैटरडे को गुरुद्वारे जाता होता था बट आज मैं फ्राइडे को ही जा रहा हूँ। अभी पहले चलते हैं नीचे, उसके बाद अब मैंने कंटिन्यू व्लॉगिंग अपनी जो है स्टार्ट कर दी है। पहले चलते हैं नीचे, चाबी ले लेते हैं गाड़ी की। गाड़ी की चाबी यार सुबह गाड़ी पीछे की थी, दूसरे जैकेट में रख दिया था। एक और चीज़ अपने व्लॉगिंग के रिलेटेड मैं लेके आया हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ लाया हूँ मैं। पहले शूज़ पहन लेते हैं, कौन से वाले पहने, ये पहने, ये पहने, ये पहने, आई थिंक वाइट वाले पहन लेते हैं, देखेंगे चलो। तो शूज़ पहन लिए हैं और ये अपने काम के हेडफोन। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं कुछ लाया हूँ, देख दिखा देता हूँ आपको मैं क्या लाया हूँ। तो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, एक लाया मैं ट्राईपॉड स्टिक। काफी देर से ना यार मैंने लेना था, ये ट्राईपॉड जैसा है बट मेरे को लग रहा है कि ये ना खराब है, नॉट अ बिग डील, ठीक है ये ले लिए। और हमें एक चाहिए ये ना, आपको माउंट चाहिए। अब मैं पहले स्टिक पे लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है चलो। तो गाइस ट्राईपॉड पे जो है मैंने अपना गोप्रो लगा दिया है, तो आपको मैं थोड़ा सा कैमरे से दिखा देता हूँ, शीशे से दिखा देता हूँ, देख सकते हो। तो ठीक है, साथ में जब हम गाड़ी चला रहे होंगे हम बाहर करके ना थोड़ा हाथ बाहर निकाल के बना लिया करेंगे। और इससे क्या थोड़ा वाइड एंगल भी आ रहा है, तो देखते कितना वाइड आ रहा है, ठीक है बढ़िया वाइड आ रहा है, तो बढ़िया है यार। एक ट्राईपॉड चाहिए होता है। मेरे ट्रंक का ना एक इशू था, तो मैं नेट पे ऐसे देख रहा था, तो मैंने सोचा यार ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, तो फिर हमने करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं क्या सीन है, वो ट्रंक खोल लेते हैं ये ना। यार इसका तो कोई और इशू है, ट्रंक के बैक साइड ना कहते स्प्रिंग होता है जिससे ट्रंक बाहर आता है, देखते हैं इसके पीछे स्प्रिंग हो गई। चलो चेक करके आपको करता हूँ सुबह। तो गाइस मैं ना एक वीडियो में देख रहा था कि इसके पीछे ना स्प्रिंग होता है जिससे डिक्की जब हम खोलते हैं तो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है, बट इसको स्प्रिंग नहीं है, इसको ना वो कुछ और ही सीन है। बाकी चार्जर खड़ी है यहाँ पे, इसका भी रिव्यू देंगे बहुत जल्दी। और ये देखो जिस जगह पर हम गाड़ी लगाते हैं, जिधर हमारी गाड़ी फंसती है, तो कहते हैं उस प्लेस यार। तो गाइस खा पी के और थोड़ा सा मस्ती मजाक करके धर्म भाई की वीडियो देख के और अश्विनी भाई की वीडियो देख के अब हम चले हैं गुरुद्वारा साहिब को। तो मौसम ऐसा सेक्सी हो गया हुआ है। बाकी चार्जर खड़ी है, चार्जर यार गाड़ी यार देखो उस दिन साफ की थी, चिकड़ी की वजह से पूरी गाड़ी गंदी हो गई। बंदा क्या करे, चिड़ी बेचारी की करे, तेल भी डलवाना है, तेल नहीं, बहुत कम तेल है। तो गाइस गाने लगाए हैं, मैगडी से ले लिया कोल्ड ड्रिंक, प्रोटीन और फ्राइज। कोल्ड ड्रिंक की मैंने 2 बोतलें ले ली हैं ताकि आगे को मेरे को प्रॉब्लम। तो अब क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं शीशे से बाहर निकाल के। गुरुद्वारे से मैं हो आया हूँ तो उसके बाद मैंने सोचा यार मॉल चौल घूमते हैं। यहाँ पे क्या सीन है यार, आज ईस्टर है और साथ में गुड फ्राइडे है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें बंद है। और ग्रॉसरी भी करनी थी, ग्रॉसरी भी रहेगी और 3-4 काम करने से सब रह गए। तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे क्या ही घूमना, समर साइड जा रहा हूँ अपनी जगह, शार्लेट टाउन से समर साइड जा रहा हूँ, तो समर साइड में घूमेंगे। कुछ मूवी जॉन विक मूवी आई हुई है, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो देखा वहाँ पे 6 बजे का टाइम, 6 बजे की टाइमिंग आ रही है, तो मैंने सोचा चलो मूवी देख लेते हैं, उसके बाद कुछ करने को नहीं है, कुछ बोलने को भी नहीं है, कुछ दिखाने को भी नहीं है, सारा कुछ दिखा दिया है हमने। ये देखो व्यू देख लो तब तक, सच्ची में कुछ नहीं है। बाकी एक और चीज, एक ना मैं बीमर देख रहा हूँ, शायद क्या पता मैं अपनी गाड़ी के साथ वो एक्सचेंज कर लूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आज देखने जाना होगा तो मैं आज देखने जाऊंगा, नहीं तो मैं कल देखूंगा। और बने रहना, क्या से क्या हो गए देखते देखते, कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए देखते देखते। अभी ना मैं घर जा रहा था, मैं मूवी देखने जा रहा था, तो मैंने रास्ते में गाड़ी देखी। मैं ना काफी दिनों से ये गाड़ी देख रहा हूँ यहाँ पे। बाकी मुझे ये तो पता है कि यार मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको जो चीज़ मुझे पसंद आएगी वो तो ऑब्वियसली पसंद आएगी, है ना। लुक एट दिस बीस्ट मैन, लुक एट द कार, फॉर सेल है, एक वो खड़ी है तो एक यहाँ पे खड़ी है। यहाँ ऐसे बेगाने जगह पे ना वीडियो नहीं बना सकते, बट फॉर सेल पता नहीं कोई बोले ना, तो चलो देख लेते हैं, बना लेते हैं वीडियो थोड़ी सी। देख सकते हो ये दिस ईगल। तो गाइस ये गाड़ी फॉर सेल है, 58 स्ट्रेट 6 ऑटो विद ऑटोमेटिक न्यू ब्रेक्स लाइन। तो गाइस देख सकते हो यार बहुत सेक्सी है गाड़ी, ईगल करके है, कंपनी पता नहीं कौन सी है। थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लिया है, तो बाकी गाड़ी देख सकते हो। देखते हैं यार इस गाड़ी के लिए रेडी टू गो है, और ये सारी चीज़ें इंस्पेक्टेड हुई पड़ी है 24 तक। तो क्या कहते हो, ले सकते हैं ये गाड़ी हम? नहीं सही है, पर यार गाड़ी ऐसी गाड़ी लेके बंदा कहाँ पे जाए ना, मॉडिफाई करेगी ना अलॉय टाइटल। एक अपनी वो खड़ी है, वो देखो, वो बेच के ये ले लें, क्या बोलती पब्लिक, वो भी ये बेच के ले लेते हैं। तो पीछे से भी देखते हैं, ऑटोमेटिक के साथ में यार ऑटोमेटिक फुल ऑल व्हील ड्राइव है। तो ये 96 मॉडल है, 90 मे बी 96 है, पता नहीं कौन सा मॉडल है। हाँ 1980 मॉडल है और ऑल व्हील ड्राइव है। एक वो खड़ी है, या पता नहीं वीडियो बनाने देंगे नहीं देंगे यार, कोई बोले ना। एक ये खड़ी है ईगल, तो ये भी चाहिए गाड़ी यार। 1983 वो 1980 है, ये 1983 ठीक है। नंबर ले लेते हैं अगर पसंद आई तो। बाकी अपनी दोनों गाड़ियाँ वो खड़ी हैं, अपनी वाली भी सही है यार। तो गाइस यार ईगल करके कंपनी थी, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी, मैं नेट पे सर्च मारूंगा, सर्च मार के देखूंगा। ईगल कंपनी, ईगल कंपनी AMC करके है, होगी कोई हाईफाई गाड़ी होगी ये अपने टाइम की, क्योंकि इसमें ना ऑटोमेटिक आती थी 1980s में, और इंडिया में अभी भी ऑटोमेटिक आने लगी है गाड़ी। सोच लो 1980s और अभी 43 इयर्स बाद अभी इंडिया में आ रही है, और ये यहाँ पे 1980s में गाड़ी जो है वो थी। और 4 व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव, मतलब कि चारों टायर घूमते हैं। ऑफ रोडिंग भी तगड़ी होती होगी इससे, है ना। बंदा क्या करे, यहाँ से इंपोर्ट कराए सीधा इंडिया इंपोर्ट करा के बड़े बड़े टायर डलवा के ना ऑफ रोडिंग करे इससे। तो गाइज आज ना मुझे लग रहा है कि मैं या तो अंदर होऊंगा या तो एक और गाड़ी खड़ी है यार। मैं अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने आया था यहाँ पे, मैंने सोचा सर्विस करवा लेते। देख सकते हो गाड़ी ये ले लें मॉडिफाई कराने के लिए, क्या कहते हो। बाकी कैमरो खड़ी है येलो कलर की, तो गाइज कैमरो खड़ी है उस तरफ, बट मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे बंद है। देख सकते हो कैमरो। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर पे वापस। तो देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक और क्विंचर लिया है। क्विंचर होता है टिम हॉर्टन में मिलता है, ओह सॉरी देखिए दिया था नीचे। तो क्विंचर लिया था, अब मैं तो आ चुका हूँ घर पे। बाकी ये मतलब तो लाइट ऑन रह गई है। तो गाइज अब आ चुका हूँ मैं घर पे, और यार रूम में जाके बात करते। तो गाइज अब पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे और अपने रूम में। तो ठंड आज थोड़ी बहुत ही, दोपहर को धूप होगी थी बट ठंड होगी, बट ये है कि धूप का मौसम ना, थोड़ा धूप वाला जो टाइम होता है वो सही होता है। बाकी यार एक चीज़ मुझे कहनी है कि जैसे कि मैंने आपको 2 गाड़ियाँ दिखाई है ना, तो एक ईगल थी, दोनों ईगल थी। कल नहीं तो परसों में जाऊंगा, वो उस गाड़ी का रेट पक्का पूछने जाऊंगा। आज क्योंकि ईस्टर और गुड फ्राइडे था, दैट इज़ वाई वो खुला नहीं था। अगर तो रेट अंडर और बजट हुआ तो फिर देखेंगे, नहीं तो फिर बीमर, मैंने BMW देखा हुआ, क्योंकि उनके साथ मेरा गाड़ी एक्सचेंज का सिस्टम नहीं होगा, बट बीमर वाले के साथ क्या पता मैं एक्सचेंज कर दूं अपनी गाड़ी। सो स्टे ट्यून्ड, कल मैं आपको ज़रूर आपको बीमर दिखाऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग में पक्का आपको बीमर दिखाऊंगा। तो देखना यार बहुत अच्छी गाड़ी है, मैंने देखी थी एक बार पहले, बट मैंने उनसे बात नहीं करी थी, बट बाद में मैंने पूछ लिया उनसे, ओके सोके ओके। बट चलो जैसे भी रहेगा अब मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो बढ़िया ही है सिस्टम सारा यार, सपोर्ट कर दो, शेयर कर दिया करो अपने भाई लोगों को, जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स थे उनको भी, उनके साथ भी शेयर कर दिया करो। व्यूज़ कम आ रहे हैं बट स्ट्रगलिंग फेज है यार, कोई नहीं करते रहेंगे स्ट्रगल। जब तक है जान, जब तक है जान। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जो चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टा पे जाके जरूर फॉलो करो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय, टेक केयर।